हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का जो लेक्चर है इसमें हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में सीखने की कोशिश की थी कि जो एनवायरनमेंट है और जो क्लाइमेट है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। यानी कि जो भी आपके आसपास में क्लाइमेट होगा, जो भी आपके एरिया का वेदर होगा, जो भी आपके जगह का वेदर होगा, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपका एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है, आपकी एनवायरमेंट किस तरीके से हम बोल सकते हैं चेंज हो रहा है, आपके एनवायरमेंट में क्या बदलाव आ रहा है, आपके एनवायरमेंट के जो भी फैक्टर है, चाहे वो बायोटिक फैक्टर है, चाहे वो एबायोटिक फैक्टर है, नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, जो आपके एनवायरमेंट वही डिसाइड करता है कि हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वेदर है वो किस तरीके से रहने वाला, राइट। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे एनवायरनमेंट जो है वो क्लाइमेट और वेदर को इफेक्ट कर सकता है, ये चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस लेके आते हैं जिसकी वजह से जो हमारा क्लाइमेट है, वेदर है, वो इफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को कहीं ना कहीं लॉस होता है, कहीं ना कहीं हम लोगों को ही प्रॉब्लम होता है, ये चीज़ के ऊपर हम लोग आज जोर देने वाले। तो सब लोगों को यहाँ पे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना है, ध्यान देना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। ओके, तो देखो यहाँ पे हम जब एनवायरमेंट में रहते हैं तो हम रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। हम खाना खाते हैं, हम कपड़े धोते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो सबकी लगी रहती है ना। तो ये एक्टिविटी के दौरान कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट होता है, हर एक एक्टिविटी में वेस्ट जनरेट होता है। और ये जो वेस्ट होता है वो हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये वेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं, ये डायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट होता है, क्योंकि सारे चीज़ हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं और वेस्ट भी हम एनवायरनमेंट में दे देते हैं। तो हम कैसे वेस्ट को मैनेज करते हैं, ये एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। और एनवायरनमेंट बेसिकली डायरेक्टली किसको इफेक्ट करता है, क्लाइमेट और वेदर को इफेक्ट करता है। तो कुछ पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीड ऑफ द आवर, तो हमें ये बताया जा रहा है कि जो क्लाइमेट और वेदर में चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैक्सिमम केस में वेस्ट की वजह से आ रहे हैं, जो हमारे डेली एक्टिविटी से वेस्ट जनरेट हो रहा है। और उसमें से मैक्सिमम जो सॉलिड वेस्ट है, ये सॉलिड वेस्ट एनवायरनमेंट को इफेक्ट करे, जिसकी वजह से वेदर और क्लाइमेट भी इफेक्टेड होता है, नेचुरल कैलामिटीज़ को लीड करता है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं जो प्रॉब्लम को हम बचा सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे, राइट। जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, वहाँ पे सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज करना है और उससे क्या प्रॉब्लम होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेनी वेस्ट मटेरियल आर जनरेटेड थ्रू द वेरियस डेली ह्यूमन एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड ए सॉलिड वेस्ट। बहुत सारे वेस्ट जनरेट होते हैं, बेसिकली जो नेचर में सॉलिड होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। इफ दिस वेस्ट मटेरियल आर प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ, दे कैन बी वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये जो वेस्ट होते हैं, ये हम लोग को देखो, वेस्ट तो जिस चीज़ से जनरेट हुआ है वो चीज़ हमें एनवायरनमेंट से मिला है, तो वेस्ट जो एनवायरनमेंट को ही हमें देना है, बट तरीके से देना। अगर हम लोग इसको तरीके से देंगे तो उससे हम लोग बहुत सारी एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी फिर से कर पाएंगे, मतलब वो वेस्ट का हम लोग वापस से यूज़ कर पाएंगे। बट इसे हम लोगों को अच्छी तरीके से मैनेज करना होगा। करंटली सॉलिड वेस्ट इज़ अ सीरियस वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम एज इट कॉजेज बोथ वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। अभी सॉलिड वेस्ट को अगर हम लोग मैनेज नहीं कर रहे हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे पॉल्यूशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और पॉल्यूशन की प्रॉब्लम की वजह से ही वेदर और क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट होता है, राइट। तो ये चीज़ को हम लोगों को समझना है कि हम लोग किस तरीके से सॉलिड वेस्ट को मैनेज करें। सॉलिड वेस्ट इज ऑल्सो सीरियस प्रॉब्लम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड हेल्थ। इवन ये सब लोगों को पता है, इसमें कोई नई चीज़ें नहीं है, है ना। सबको पता है कि अगर हम यहाँ पे वेस्ट कर देंगे, यहाँ पे हम कचरे फेंकेंगे तो हम लोगों को हेल्थ का इशू आएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, हम लोगों को पता है। तो ये चीज़ को अगर हमें पता है तो हमें अच्छी तरीके से मैनेज करना है। तो सॉलिड वेस्ट बेसिकली इकोनॉमिक के ऊपर इफेक्ट करता है, कंट्री के डेवलपमेंट के, रीजन के डेवलपमेंट के भी ऊपर इफेक्ट करता है, हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट करता है। तो ओवरऑल इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट ही है। इसके लिए हम लोग जो वेस्ट जनरेट करें उसको इफेक्टिवली करें, जिससे हम लोग एनर्जी हार्नेस करें, हमारा फ़ायदा देखें, इस तरीके से हम लोगों को करना चाहिए, जिससे एनवायरमेंट का फ़ायदा होगा, क्लाइमेट और वेदर जो है वो एप्रोप्रिएट तरीके से होंगे, जिससे फसल अच्छी तरीके से होगा, सब कुछ हमारे फेवर में होगा। तो इस तरीके से हमें मैनेज करना। इट हैज़ पोस्ड सीरियस थ्रेट टू द नेचर एंड ह्यूमन हैबिटेट बिकॉज ऑफ द एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन इट कॉजेज। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, एयर के पोल्यूशन होते हैं, सॉइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन ड्यू टू सॉलिड वेस्ट। तो ये चीज़ को हम लोग को डिस्कस करना है। नाउ सी व्हाट इज मीन बाय पोल्यूशन, हम लोग को पूछा जा रहा है, कुछ क्वेश्चन दिया है कि पोल्यूशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है।
तो कोई भी चीज़ जो एनवायरनमेंट में आ जाता है, ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, वो चीज़ को ही पॉल्यूशन बेसिकली बोलते हैं। पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट। कोई भी मटेरियल जो एनवायरनमेंट में हम ऐड करें जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को हार्म पहुँच रहा है, हानि पहुँच रहा है, जिसकी वजह से हमें भी हानि पहुँचेगा, ऐसे चीज़ को पॉल्यूशन बोलते हैं। तो हम लोग बेसिकली डिस्क्राइब भी कर चुके हैं, सुने भी हैं, सीखे भी हैं, देख भी रहे हैं। हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के पॉल्यूशन है, एयर, वाटर और साउंड पॉल्यूशन, जिसमें से सॉइल पॉल्यूशन भी एक और है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इन विच डिफरेंट वे डू आवर सराउंडिंग गेट पॉल्यूटेड। जो हमारे आसपास का परिसर है, नेचर है, सराउंडिंग, वो किस तरीके से पॉल्यूट होता है, तो ये आपको पता है। देखिए, हम रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, जैसे हम खाना बनाते हैं तो हम लोग वेजिटेबल यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं वो निकलते हैं, उसके बाद जो हम वेफर्स खाते हैं, पैक्ड मटेरियल खाते हैं, तो उसके जो प्लास्टिक से वो जनरेट होते हैं, सॉलिड वेस्ट है, तो ऐसे बहुत सारे वेस्ट जनरेट हम लोग एनवायरनमेंट में करते हैं ड्यू टू वेरियस डेली एक्टिविटी की मदद से। द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन आर हाउस होल्ड एक्टिविटी, फैक्ट्री भी बहुत बड़ा रीज़न है, एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, सम ऑफ दी सोर्सेज जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो है हाउस होल्ड एक्टिविटी, फैक्ट्रीज है, एग्रीकल्चर है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिससे नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी होता है। तो इस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, जिससे वजह से हम लोग वेदर और क्लाइमेट की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हम अपने लाइफ की क्वालिटी को भी डिग्रेड कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हम लोग को जोर देना है। अब देखो, यहाँ पे कुछ इमेजेस दिए गए हैं, पिक्चर दिए गए हैं, और हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया गया। जरा सोचो, थोड़ा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनो, और आई होप कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है, वो अपने एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना योगदान पूरी तरीके से देते हैं एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने के लिए। तो आप देख सकते हो, दो पिक्चर है, ए एंड बी। ए पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरे कचरे फेंके गए, कचरे लोग ही रहते होंगे, इसके लिए यहाँ पे कचरा फेंका गया है, इनकी मेंटालिटी ऐसी है। बट हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है, हम लोगों को अच्छी तरीके से अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखना है। वहीं पे बी अगर देखोगे तो यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के लोग के संस्कार अच्छे हैं, यहाँ आप रोड पे एक भी कचरा नहीं देख सकते, ये लोग अच्छी तरीके से जो वेस्ट, देखो ऑब्वियसली वेस्ट तो जनरेट होगा, बट मैनेज कैसे करना है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये लोग अच्छे से वेस्ट को मैनेज करें। बेस्ड अपॉन दिस कुछ क्वेश्चन पूछा गया, उसको हम लोग जवाब दे देते हैं, बिकॉज हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, हम लोग ही इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, हम ही इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ हम लोग सवाल और जवाब खेल लेते हैं। पहला है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी सी इन द टू पिक्चर अलॉन्ग साइड, क्या मेन डिफरेंस है? तो अगर हम लोग देखेंगे तो मेन डिफरेंस क्लियर कट हम लोग को दिखाई दे रहा है कि जो पहला वाला पिक्चर है वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, वहाँ के लोग की एक्टिविटी अच्छी नहीं है, वहाँ के लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं तो उनके पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं है, यही सारे चीज़ हम लोग को ये पिक्चर में दिख रहे, राइट। दूसरे पिक्चर में हम लोग को दिख रहे, यहाँ के जो सिटीजन और रिस्पॉन्सिबल है वो लोग अपने एनवायरनमेंट के प्रति एक अच्छी, हम बोल सकते हैं, भावना रखते हैं, एक अच्छा सोच रखते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहे, जिसकी वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट जो अच्छा हमारे ही ऊपर आएगा, तो ये समझदार लोग यहाँ पे रहते हैं। तो हम देख सकते हैं क्लियर कट जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम पॉइंट्स ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हो कि मेन जो डिफरेंस दिख रहा है हम लोगों को इन पिक्चर ए, अगर मैं ए पिक्चर की बात करूँ, द एनवायरमेंट इज टोटली अनहाइजीन, बहुत गंदा है, अनहाइजेनिक लिख सकते हैं, बहुत गंदा है, राइट। वहीं पे अगर हम लोग बी की बात करेंगे, द एनवायरनमेंट इज नीट एंड क्लीन, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ पे। व्हाट शुड वी डू टू परमानेंटली मेंटेन द कंडीशन सीन इन पिक्चर बी, बी पिक्चर में जो हम लोग को दिख रहा है उसके लिए हम लोग हमेशा ऐसे रखना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हम क्या कर सकते हैं, सबकी देखो राय अलग अलग हो सकती है, राइट। तो इसमें हम बोल सकते हैं प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, हम लोग को वेस्ट मैनेज करने आना चाहिए। और सेकेंड चीज़ है थ्रोइंग वेस्ट एट इट्स प्रॉपर प्लेस, जहाँ पे दिया गया वेस्ट फेंकने के लिए वहीं पे, एट इट्स प्रॉपर प्लेस वहीं पे आपको फेंकना है। यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे कहीं पे भी फेंक दिया गया, यहाँ पे रोड जो है, स्ट्रीट जो है, वहाँ पे कचरा फेंकने की जगह होती है क्या? नहीं। तो ये जो पिक्चर है पूरी तरीके से हम लोग को गलत संदेश दे रहा है। अगर गलत संदेश दे रहा है
तो ये पिक्चर का हम बहिष्कार करेंगे, हम लोग इसकी तरफ नहीं देखेंगे, ध्यान भी नहीं देंगे, ये पिक्चर के प्रति हम लोग अपनी भावना जो अपना संवेदन है वो सब देंगे, हम इस पिक्चर को फॉलो करेंगे, अपने लाइफ में फॉलो करेंगे और इसी तरीके से हम एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। तो आई होप कि सब लोगों को इसका मतलब जो है वो समझ में आ चुका है पिक्चर का मतलब, और आप अपने हिसाब से इसका आंसर भी दे सकते हैं। अब थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे, अब किस तरीके से सॉलिड जो वेस्ट होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमें पता है क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, और कुछ हमारे महाराष्ट्र के मेजर सिटीज़ में भी हम देख लेते हैं क्या क्या इसके परिणाम है। गार्बेज प्रोडक्शन पर डे सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन दी मेन मेट्रो सिटीज़ ऑफ द स्टेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली एज फॉलो। कुछ कुछ बड़े बड़े शहर की बात की गई है महाराष्ट्र स्टेट की, अगर हम देखेंगे तो मुंबई में सॉलिड वेस्ट 5,000 टन्स होते हैं पर डे का ये एवरेज है, पुणे में 1,700 टन्स और वहीं नागपुर में 900 टन्स का रोज़ सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है। तो इसको डिस्पोज करना एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की जिम्मेदारी है, इवन ये वहाँ के जो लोकल्स मैनेजमेंट है, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट है, इनकी भी एक कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे लोगों की है जो वहाँ पे रह रहे। तो आप देख सकते हैं इतने अमाउंट में वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो ये कितना हार्म पहुँचा सकते हैं हमारे एनवायरमेंट को, हमारे क्लाइमेट को, हमारे वेदर को और हम लोगों को खुद। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है और आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना है। ऑन 26 जुलाई 2005 इसी तरीके का एक इंसिडेंट हुआ था 26 जुलाई 2005 को, अ सीरियस फ्लड कैलामिटीज़ हैज़ अराइजन इन मुंबई। मुंबई में एक बहुत बड़ा फ्लड आया था, बाढ़ आया था बारिश के टाइम पे, और ये जो था इस वजह से था, इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वॉज वन ऑफ द मेन रीज़न बिहाइंड इट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम सही नहीं था जिसकी वजह से बहुत लोगों को बहुत नुकसान सहना पड़ा, कितने लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। तो ये सारे जो चीज़ें थे ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ना होने के कारण हुआ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी तरीके से नहीं करने के कारण हुआ, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न नहीं होने के कारण हुआ। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना कि हम अपने एनवायरमेंट को हमेशा हम लोग अच्छी तरीके से मैनेज करें, एनवायरमेंट को हमेशा सुरक्षित रखें, एनवायरमेंट को हमेशा सेफ और क्लीन रखें, जिसकी वजह से हम लोगों के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। Thus we see that accumulation of solid waste can lead to various calamities. बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं अगर हम लोग सॉलिड वेस्ट को अच्छे से मैनेज नहीं किए तो। अब देखो कुछ लिस्ट है उसको डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या वेस्ट है और कहाँ से जनरेट होता है, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। पहला आप देख सकते हो डोमेस्टिक वेस्ट है जो कि घर में क्रिएट होता है, बनता है, जनरेट होता है। तो सोर्सेज क्या है, वेस्ट फूड है, पेपर है, प्लास्टिक पेपर, प्लास्टिक बैग, वेजिटेबल वेस्ट है, फ्रूट स्किन, ग्लास एंड शीट मेटल आर्टिकल्स जो हमारे घर में डेली बेसिस पे यूज़ होता है, ये सारे एक डोमेस्टिक वेस्ट के कैटेगरी में आते हैं। तो इसको भी अच्छी तरीके से सोच समझ के हमें डिकम्पोज करना चाहिए। सेकंड आप देखोगे इंडस्ट्रियल वेस्ट है, बेसिकली केमिकल से आते हैं, पिगमेंट, स्लज, ऐश मेटल्स, जो भी केमिकल इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है उसकी वजह से ये जनरेट होते हैं। हजार्डस वेस्ट जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, केमिकल, पिगमेंट, ऐश मेटल, केमिकल जनरेटेड इन वेरियस इंडस्ट्री, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होते हैं, एक्सप्लोसिव, इन्फेक्शियस मटेरियल, ये सारे जो चीज़ें होती हैं, ये सारे चीज़ें एक हम बोल सकते हैं हजार्डस वेस्ट के फॉर्म में होती है, जिससे लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी होता है, नॉन फंक्शनल टीवी सेट है हमारे घर में जो काम नहीं कर रहा है, सेलफोन से, म्यूज़िक सिस्टम है, कंप्यूटर देयर पार्ट्स, ये सब भी नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक हम बोल सकते हैं खतरा है। बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल्स में जनरेट होते हैं, लाइक बैंडेज, ड्रेसिंग, ग्लव्स, नीडल्स, सेलाइन बॉटल, मेडिसिन, सारे आप लोगों को पता है, मेडिसिन बॉटल, टेस्ट ट्यूब, बॉडी पार्ट्स, ब्लड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब बायोमेडिकल वेस्ट है, इसे भी अच्छी तरीके से हमें डिकम्पोज करना चाहिए, नहीं तो इससे इन्फेक्शन फैल सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ह्यूमन बीइंग में क्रिएट हो सकता है। वहीं पे देखो आप अर्बन वेस्ट जो है, वेस्ट जनरेटेड थ्रू हाउस होल्ड इंडस्ट्री, लार्ज कमर्शियल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, कैरी बैग्स, ग्लास, मेटल पीस, रॉड, थ्रेड, रबर, पेपर, बहुत सारे सोर्सेस हैं वेस्ट जनरेट होने के लिए। तो ये सारे चीज़ें आपको पता होना चाहिए और ये चीज़ को कैसे मैनेज करना है वो भी आपको सीखना है, अच्छी तरीके से मैनेज करो जो भी आपके घर में। फिलहाल आप इंडस्ट्री की बात तो छोड़ दो, बट आपके घर में जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, आपके थ्रू जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसको आप अच्छी तरीके से मैनेज करो, जो कि एनवायरमेंट के लिए एक अच्छा चीज़ साबित हो, ना ही कि एनवायरमेंट के लिए थ्रेटन साबित हो। ओके, कुछ रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, ये रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होते हैं बेसिकली मेटल से होते हैं, जिसके अंदर
वेव्स निकलती है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, बहुत छोटे वेवलेंथ की वेव्स निकलती है। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, बट थोड़ा सा आइडिया लेंगे। रेडियो एक्टिव मेटल्स लाइक स्ट्रोंटियम 10, सीरियम 141, बेरियम 140, ये सारे आइसोटोप्स है, अलग अलग एटम्स के, अलग अलग एलिमेंट्स के। आपको इसके बारे में सोचना नहीं है फिलहाल, बट ये सोचना है कि कुछ इस तरीके की वेस्ट होते हैं हमारे नेचर में। हैवी वाटर एक्सेट्रा जनरेटेड फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट, यूरेनियम माइंस, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग साइट्स एक्सेट्रा, तो बहुत सारे वेस्ट जनरेट होते हैं। तो ये वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट होते हैं, एनवायरनमेंट को लॉस पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और क्लाइमेट कंडीशन बदलती हैं जिसके ऊपर वजह से हमारे ऊपर ही इफेक्ट होता है। तो आई होप कि सब लोगों को कुछ ना कुछ बातें समझ में आए, कुछ ना कुछ चीज़ें दिमाग में गई है। तो बिकम ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टूवर्ड्स दी मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, वेस्ट को अच्छी तरीके से मैनेज करो, सो दैट वो एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं थ्रेट नहीं पहुंचाए, और जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से मैनेज करके कुछ ना कुछ अच्छी एनर्जी हमारे लिए हार्नेस करें, हमारे यूज़ के लिए करें। तो इस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, वेदर और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं। जो फसल को लगती है, जो हम लोगों को लगती है, उस तरीके का क्लाइमेट और वेदर भी हम बना सकते हैं। तो आई होप कि सब लोगों को ये बात मेरी दिमाग में गई है, सब लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा काम करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, बातें समझ में आई, बहुत कुछ सीखे, तो फटाफट लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। इसी तरीके से जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत कुछ नया सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।